लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेस्क स्लैब नहीं था, उस पर एंगल वगैरह था जिसमें, तो जब मैंने वहाँ जाकर पूछा लोगों से तो बताया कि एकदम विधिवत ढंग से जो है लोग कटर मशीन ला करके या जेसीबी ला करके, और कहा कि मैं विभागीय आदमी हूँ और विभाग के आदेश अनुसार हम इसको काट रहे हैं। इसके लिए हमने कल जाकर के FIR दर्ज करवा चुका हूँ मैं, इसके बारे में सारा चीज़ उसका कॉपी हमने सूचना जो है हमने अवर प्रमंडल पदाधिकारी नासरी का और कार्यपालक अभियंता को जो भी काटा है वो बिना सूचना दिए हुए अपने को विभागीय आदमी क्या करके। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में दिन दहाड़े लोहे का पुल चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर सिंचाई विभाग के कर्मचारी बनकर गांव में आए और जेसीबी से पुल तोड़ दिया, फिर गैस कटर से काट कर लोहा ट्रक पर लाद कर आराम से चलते बने। वहीं विभाग को इस पूरी घटना की भनक तक नहीं लगी। चोरी के 3 दिन बाद विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुल चोरी के मामले में रोहतास पुलिस ने SIT गठित कर दी है। जानकारी के मुताबिक 47 साल पुराना पुल जिले के नासरीगंज प्रखंड के अमियावर स्थित आरा मुख्य नहर पर बना था। पुल 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। बताया जा रहा है कि पुल में 500 टन लोहा था। चोर जब पुल तोड़ रहे थे तब गांव वालों ने सवाल किया, इस पर चोरों ने कहा कि वे सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, पुल जर्जर हो गया है इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चोरों ने पुल को पहले जेसीबी से तोड़ा, फिर कटर से काट कर ट्रक पर लाद कर भाग गए। इसके बाद ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग से बात की तब मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और मामले में FIR दर्ज करवाई। ग्रामीण ने बताया कि पहले नहर पर कोई पुल नहीं था, लोग नाव से आर पार जाया करते थे। साल 1966 में यात्री से भरी नाव नहर के गहरे पानी में डूब गई। हादसे में करीब 12 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 1972 से 1975 के बीच पुल का निर्माण करवाया गया। इस पुल के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दूसरे पुल का निर्माण किया गया। अब पुराना लोहे का पुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस कारण भी लोगों ने सोचा कि विभाग इसको हटा रहा है। मामले में नासरीगंज थाना अध्यक्ष ने कहा कि सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने अज्ञात चोरों पर FIR दर्ज कराई है। सिंचाई विभाग के विक्रमगंज सब डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर राधेश्याम सिंह ने कहा कि गांव के मुखिया ने पुल हटाने के लिए आवेदन दिया था, इसे बड़े अधिकारियों को भेज दिया गया था लेकिन इस दिशा में अब तक कोई निर्देश नहीं मिले थे। इस बीच चोरों ने पुल को चुरा लिया।